मोदी जी तो कह रहे हैं कि जनता कह रही है इस बार फिर से मोदी सरकार काम को देखकर कह रहे हैं। ठीक है, अगर जनता कह रही है तो फिर वो आप सारे कांग्रेस को क्यों लपेटने में लगे अपने साथ। आप सिंधिया को छोड़ दीजिए, आप ये JSW के मालिक जो है जिंदल स्टील वर्क्स वाले उनको छोड़ दीजिए, आप ये जो विजेंद्र सिंह आपने लिया उनको छोड़ दीजिए, आप बहुत हेमंत विश्व शर्मा है जितने भी हैं ये जो चेहरे आप लेके आ रहे हो क्योंकि आपके पास नेता ही नहीं है, आप ढूंढ ढूंढ के उन पर लगाम लगा के ED और CBI चढ़ा चढ़ा के लेके आ रहे हो, तो आप उन्हें छोड़ दो ना, आप ले आओ 400 बार ना। सब बोलते थे एक अकेला सब पे भारी, तो उस अकेले को इतनी सबकी जरूरत क्यों पड़ रही है, आप मत करो ना, आप बना दो जैसे दिल्ली का इलेक्शन था। दिल्ली के इलेक्शन में केजरीवाल का 2014 का इलेक्शन देख लो, 2020 का इलेक्शन देख लो, 15 का इलेक्शन देख लो, केजरीवाल सब पे भारी था। तो अगर वो केजरीवाल सब पे भारी था तो उसमें ये थोड़ी है, उसमें तो किसी को भी इलेक्शन लड़ाया, जिस आदमी ने कभी जिंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ा वो भी जीता था ना। अच्छा, तो वो अगर दिल्ली में हुआ, दिल्ली में 67 में से 67 सीटें आई थी, 70 में से फिर दोबारा 62 सीटें आई हैं, तो अगर वो केजरीवाल के चेहरे पर लड़े और केजरीवाल किसी को भी लड़ रहा था वो जीत रहे थे ना, तो मोदी जी भी तो वही दिखाना चाह रहे हैं ना, मोदी भी तो वही पोर्ट्रे कर रहे हैं कि एक अकेले सब पे भारी है, तो मोदी जी इतने चेहरे क्यों उठा उठा के ला रहे हैं। मोदी जी को बोलो किसी को भी लड़ा लेना, आप किसी को भी लड़ा, आप ऐसे लोगों को लड़ाओ जिन्होंने कभी जिंदगी में राजनीति देखी नहीं, जैसे अरविंद केजरीवाल ने 2014 के इलेक्शन में, 13 के इलेक्शन में किया, उसके बाद 15 के इलेक्शन में किया, ऐसे चेहरे लड़ाए जो कभी थे ही नहीं राजनीति में, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई एक्टिविज्म से उठा हुआ है, कोई नेता मतलब नॉर्मल। क्या लग रहा है क्या मुद्दा होने वाले हैं इस बार चुनाव में, किन मुद्दों पे वोट करेंगे? भारत देश में चुनावी मुद्दे होते ही कहाँ हैं, यहाँ धर्म और कास्ट और बिलीफ चलते हैं यहाँ पे, इसके अलावा जो एक्चुअल में रीजन होने चाहिए वो तो है ही नहीं ना कहीं। आप महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार पे कोई बात नहीं कर रहा है, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहा, भाई भी यही बोल रहा खड़ा हुआ, कोई बंदा लूटपाट हो रहा है, भाई से पूछा बोल रहे हैं हत्या हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, और इंसान को जो है सिर्फ फंसाया जा रहा, जैसे जमीन इसका हड़पना है और उसका जमीन को हड़पने के लिए हमने फर्जी भी उसको जमीन नहीं बेच रहे हैं, तो उसका पड़ोसी यदि गांव का दबंग कोई है तो उसको 5 गो के झूठा लदवा दिया, कहीं पर कांड हुआ कुछ कुछ झूठा भी नहीं भी कांड हुआ तो फिरौती किडनैपिंग केस कुछ कुछ लाद के उसको घर से बेचारा बाहर है मजदूरी कर रहा उसको फंसा दिया जाता है। अच्छा। ऐसा कई मामले हैं। तो बेरोजगारी एक मतलब बड़ी परेशानी है देश में लग रहा है, बेरोजगारी है परेशानी है। हाँ। प्रशासन घुस लेता है उस पर CBI द्वारा जांच नहीं किया जाता है। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि हर गरीबों की हमने मदद की, हर पड़ाव पे उनकी मदद करी है, वो तो देश विदेश घूम लिए, मौज जितना लेना था वो मौज ले लिए। अच्छा, गरीब को क्या मदद की है? हाँ। मदद तो कुछ नहीं किए, तो कह रहे हैं गरीबों की मदद की है, इस बार फिर से आएंगे। हाँ, फिर से आएंगे, वो आ सकते हैं, दबंग नेता है। हाँ। तो आ सकते हैं, वैसे ही दबंग जो है ऑफिसर लोग कलच में रखे हुए हैं वो आ जाएंगे फिर से। अच्छा। कोई इंसान आदमी यदि खड़ा हो और वो यदि जीत जाए तब ना हम समझेंगे कि हाँ मतदान से जीतता है, लेकिन इंसान आदमी को वोट देकर यदि उसको जिता दे उसको खड़ा करे तब ना। ये सब मोदी जी BJP पार्टी में खड़ा किए हैं, एक से एक जो है से हीरोइन है, एक से एक मतलब पूंजीपति लोग है। क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार आने वाली है? हम परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन मोदी जी को नहीं चाह रहे प्रधानमंत्री? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई कारण होगा, काम पसंद नहीं आया? काम नहीं, मोदी जी के जिन विचारों के साथ सरकार में उन्हें लाया गया था मुझे लगता है वो अपने विचारों पे खड़े नहीं उतरे, इसलिए हम उनको नहीं चाह रहे। अच्छा, जो गारंटियां उन्होंने दी थी लग रहा है पूरी हुई है? ये तो आप मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते होंगे। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज के जहाँ लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ का आधार दिया जाता है मीडिया को और उसी की एक भूमिका आप भी निभा रहे हैं, तो स्वाभाविक है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि वर्तमान हालात और 2014 से पहले के हालात क्या थे, तो उन हालातों को मद्देनजर रखते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि आज संविधान खतरे में है और लड़ाई जो है संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने की, तो संविधान को सुरक्षित यदि रखना है तो विकल्प को वरीयता देनी पड़ेगी। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि देश का विकास हुआ है हमारे जब से हम आए, मोदी सरकार आई है, तो क्या लग रहा है विकास हुआ है देश का? तो पता नहीं, लेकिन हाँ BJP वालों का विकास हुआ ये तय है। अच्छा, सिर्फ पार्टी का विकास हुआ है देश का नहीं, क्यों ऐसा कह रहे हैं? इसलिए कह सकते हैं कि पहले जो चोरों चुके कहे जाते थे, गुंडा बदमाश जो रहे थे, वो भाजपा के अधीन जाकर गंगा नहा लिया, आज वो शुद्ध सहकारी उनके। हाँ। और जो आज विपक्ष के अधीन बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आदरणीय पप्पू कहा जाता है, और पप्पू यादव जो बिहार के रहे थे जनता दल पार्टी के, तो उनको लेके भी टॉयलेट कहा जाता है, जैसे आपके आपके बिहार के
नीतीश जी रहे, हालात जैसे आपने देखे किस तरह से बगावत करके उन्होंने विपक्ष का साथ दिया और परिस्थितियाँ कुछ यूं ही कि आज वो बीजेपी में है, तो जब विपक्ष में थे तो भाजपा को वही नीतीश जी खटक रहे थे, आज भाजपा के साथ है तो वो फल फूल रहे हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं कि हमारा काम अच्छा लग रहा है सभी नेता को, इसलिए हमारे पार्टी में आ रहे हैं। नहीं, ये तो उनका अपना व्यक्तिगत भाव है ना। हम भी तो कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र को मजबूत करना है, संविधान खतरे में है और संविधान को बचाना है तो आज विकल्प की जरूरत है, विपक्ष को मजबूत करना चाहिए। जी जी, क्या लग रहा है किस सरकार? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। वोट देने जाएंगे? नहीं, वोट नहीं देंगे। आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार है? अभी तक तो मोदी की लग रही है और आगे भी मोदी की रहेगी। अभी तक मोदी की लग रही, काम पसंद आ रहा है मोदी जी का? बिल्कुल। हाँ, क्या काम पसंद आ रहा है? लोगों पे अच्छा अच्छा पहनावा देख रहा हूँ। पहनावा क्या पहनावा? मतलब रंग बिरंगे। ये आप इतने दिन से कहाँ थे? आप आज आए ना, किसकी वजह से आए? मोदी की वजह से आए कि कांग्रेस की वजह से आए? मोदी जी की वजह से क्यों आए है? मेरा जन्म 2014 में ऐसा हुआ, ऐसा अंधभक्त कहते हैं। भेष में बोलने आए ना? मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, 2014 के बाद मेरा जन्म हुआ ऐसा अंधभक्त कहते हैं। मुझे तो पता नहीं, मेरी तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां पुरखों से चली आ रही है। मैं तब भी रोटियां खाता था, तब भी आनंद मंगल था। कांग्रेस की? मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा, मैं जनता की तरफ से बोल रहा हूँ। विपक्ष मजबूत होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए ना। हाँ। और विपक्ष मजबूत होगा तब ना शासन में आपकी कोई बात रखी जाएगी। अगर सरकार को एक तरफा 400 पार के नारे के बरीता देंगे तो फिर क्या वो मनमानी नहीं करेंगे? अगर कहा जाए इस चांदनी चौक के सर्कल का मालिक मैं हूँ, तुम्हारी औकादें यहाँ खड़े हो सकते हो। अगर मालिक मैं हूँ, मालिक होते या मैं मालिक होता तो सबसे पहले तो ये लाल किला ही नहीं होता। समझ लीजिए। अच्छा। मैंने कहा आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, जब एक तरफा बहुमत से सरकार बनेगी ना तो फिर वो मनमानी करेंगे जैसा आज कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ विपक्ष मजबूत होना चाहिए, इसलिए क्योंकि जनहित के मुद्दों को आवाज़ सदन में उठे, सदन में जनहित के मुद्दों की आवाज़ उठेगी, इसलिए विपक्ष मजबूत होना बहुत जरूरी है, चाहते हो या नहीं। अच्छा, आपको लग रहा है विपक्ष में कोई है जो प्रधानमंत्री बन सकता है? अभी बनने क्या जरूरत है, मोदी है ना। अच्छा, तो क्या काम पसंद है? आप पहनावा को लेकर कह रहे, देश में क्या काम होगा? देखो ऐसा है, लोग बाग अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, तो कपड़े पहनते हैं क्या कपड़े के? क्या देश के थोड़ा मतलब मोदी जी अच्छा काम विकास मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो लोग बाग अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। अच्छे कपड़े पहनने से देश का विकास होगा? आपके कहने का मतलब ये है कि आज हम और आप जो पहन पा रहे हैं ना वो मोदी जी की देन है, ये कहना चाह रहे हैं? अब मुझे लगता है कि इस बात का जवाब मुझसे ज़्यादा बेहतर आप दे सकते हैं, लेकिन आप देना नहीं चाहेंगे क्योंकि आप एक सूचनाकर्मी हैं, आप सूचना को प्रसारित कर रहे हैं तो आप नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन एक जनता के नाते मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो इनका भ्रम है वो एक ऐसी श्रेणी में जाता है जिसका क्राइटेरिया का नाम पहले दे दिया, जिसे अंधभक्त कहा जाता है, ये उस श्रेणी में। अच्छा, ठीक है। आपने मोदी जी को कितने साल हो गए? 10 साल तो हो ही गए। 15 मोदी जी अब 15 साल चल रही, मतलब 15 साल नहीं 10 साल हो गए ना? 10 साल हो गए। तो 10 साल में आपने क्या क्या काम करा? अच्छा काम करा है, बुरा काम करा है, जिससे आपको घोटाला हुआ वो अगर जो भी आपने काम किया वो काम मेरे को बता दो कि मेरे को ये 10 साल में नुकसान हुआ है तो हम उसकी भरपाई करेंगे। आप उसकी भरपाई करेंगे? मोदी करेगा ना? मोदी उसकी भरपाई। ऐसा कोई सा भी काम बता दो कि मेरा 10 साल में नुकसान हुआ है। मेरा व्यक्तिगत रूप से कोई नुकसान हुआ है? मैं व्यक्तिगत छोड़िए, मैं राष्ट्र कमेटी की बात कर रहा हूँ, मैं राष्ट्र जनसंपत्ति की विषय से बात कर दे रहा हूँ। 2014 में इस देश पर 54,000 करोड़ का कर्जा था जो कि आज 153 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, उसी की भरपाई करा दो। 205 सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ। कम हुआ ना मोदी के राज में? कम हुआ ना? हम नहीं हुआ, कम हुआ है कि बढ़ा? अच्छा, बढ़ गया, दो गुना बढ़ गया, 3-4 गुना बढ़ गया। अच्छा, 4 गुना बढ़ गया, इसी को सेटल करा लो। तो फिर आप यहाँ पे कैसे खड़े हैं? यहाँ कैसे खड़े हैं? कैसे खड़े? ये लोकतंत्र की और संविधान की ताकत है। मोदी क्या? मोदी की औकात नहीं है, ये संविधान की देन है। जो तुम बोल पा रहे हो हम बोल पा रहे हैं, हम तुमसे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, ये संविधान की देन है, मोदी की औकात नहीं है। मोदी भी आज संविधान के अनुरूप चल रहा है, ये बात ध्यान रखना। संविधान है तो मोदी कुछ कर पा रहा है, और ये संविधान की परिभाषा जिस दिन बदल जाएगी उस दिन क्रांति आएगी देश में, उसको रोकने वाला पैदा नहीं होगा। और सुनो, हम बता दे रहे हैं अगर स्थितियाँ यही नहीं तो क्रांति दूर नहीं है, इस देश को पुनः क्रांति की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपके हिसाब से कौन है, मतलब कौन राहुल गांधी आना चाहिए कि सोनिया गांधी? से विपक्ष मजबूत होना चाहिए, फिर चाहे विपक्ष में कांग्रेस हो या भाजपा हो, जनहित के मुद्दों के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अरे विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, खत्म करना चाह रहे हैं विपक्ष को? मैम मुझे नहीं मालूम ये क्या चाहते क्या नहीं। हाँ। मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, जब ही तो लोग बहुत खुश हैं।
क्या लग रहा है, लोग खुश हैं मोदी सरकार के काम से? ऐसा नहीं है, हर कोई चाहता बदलाव, मगर यह है कि अब बदलाव होना चाहिए। 10 साल का कार्यकाल हो गया मोदी का, मगर यह है कि कुछ ऐसे चीज़ें होनी चाहिए जिसे जो है लगे कि हमें देश की तरक्की हुई है। तो भाई देश की तरक्की तो ज़्यादा नहीं हुई है, लोग जो है बट गए हैं, कभी हिंदू मुसलमान संगठन में, इन सब चीज़ों में ही ज़्यादा हुआ है और एक दूसरे से नफरत बढ़ा और क्या हुआ अब बताओ। अच्छा। हर चीज़ में दंगे और दंगे की जांच नहीं होती तो फिर क्यों प्रधानमंत्री क्यों बने हुए हो? फिर छोड़ दो अपनी जो है कुर्सी, किसी और को दो, जो सही व्यक्ति आएगा वो चलाएगा फिर। अच्छा, क्या परेशानियाँ हैं इतनी जो आप देख रहे हैं, जिसको देख कर वोट देंगे? मैडम क्यों नहीं है परेशानी, अभी जो है वो जो क्या नहीं पहलवानों का जो धरना हुआ था तो उसका क्या हुआ, वो अपना घूम रहा ना खुले सांड की तरह, गिरफ्तारी हुई। अभी केजरीवाल के ऊपर जो है शराब घोटाले का लगा, वो अंदर गया ना, इस तरीके से उसे भी लाना चाहिए था। तो ये दोहरा रवैया जो है ना ये नहीं चलेगा, देश सब जानता है। और जब वोटिंग का टाइम आएगा ना तो देश अपने आप विकल्प चुन लेगा कि किसको रखना है किसको नहीं रखना है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि हम सारे भ्रष्टाचारियों को बाहर निकाल फेंकेंगे। अरे मोदी जी क्या भ्रष्टाचारी करेंगे, उनके ऊपर तो खुद आरोप लगा हुआ था, उनको जो है जो क्लीन चिट दिया, बाद में जब जो इलेक्शन जीते हैं तब है गोधरा कांड लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ आप भी तो वाकिफ है इनसे है। नरगिस का मामला अभी तक चल रहा है, उनके जो है बीजेपी जो है उनके लोगों को रिहाई करवा रहे हैं, तो रेपिस्ट को क्या रिहाई करवाती है? तो आप बताओ क्या कह रही है? वो तो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है। जी गुंडागर्दी रहेंगे तो गुंडागर्दी कहाँ से खत्म होगी? हाँ। आप लगता है कि आपको गुंडागर्दी खत्म हो रही है? हाँ।